कुछ महीने पहले मैंने कुछ वीडियोस में कसार देवी के बारे में बहुत कुछ सुना था, पढ़ा था, तो मुझे पता लगा कि अर्थ पे एक जगह है जहाँ पे अर्थ की वैन एलन बेल्ट में गैप है। कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा सिर्फ तीन जगह पर है, द प्री हिस्टोरिक स्टोन एज इन इंग्लैंड, द 500 ईयर ओल्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट माचू पिच्चू इन पेरू, एंड द थर्ड वन इज़ द प्लेस वेयर आई एम ऑफ टू, द कसार देवी इन अल्मोड़ा। वेट, बट वॉट इज वैन एलन बेल्ट एंड वट हैज़ इट गॉट टू डू विद अस ह्यूमंस? वैन एलन वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। वैन एलन बेल्ट उसी के नाम पर रखा गया है। वैन एलन बेल्ट इज अ रीजन फॉर्म्ड बाय हार्मफुल चार्ज पार्टिकल्स विच आर ट्रैप्ड अराउंड द प्लैनेट बाय द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली दिस इज वन ऑफ दोज कंडीशंस विच मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। सो मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स देखे, कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े गूगल पे, और मुझे ये पता लगा कि वैन एलन बेल्ट में गैप होने के कारण इन तीन जगहों पे एक तरह की कॉस्मिक एनर्जीज हैं। और इस बार मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे पिछले 100 सालों में कई सारे वेल नोन और नॉट सो वेल नोन लोग आ चुके हैं। गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो नादो के रेडियो में अब जा रहे हैं मंदिर, कसार देवी मंदिर ऊपर चढ़ाई करने। ऊपर का व्यू वगैरह सब दिखाता हूँ। स्टेडियम एंट्री, एंट्री गेट कसार देवी मंदिर का, तो हम ऊपर जा रहे हैं। अब इसके नीचे खड़े होते हैं 2 मिनट। सो ये ट्रैक स्टार्ट हो गया अपना, इस तरह का ट्रैक है। पक्की रोड बनी हुई है बढ़िया, और जंगल है। मंदिर पहुंच गए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ईयर 1890 में हमारे स्वामी विवेकानंद जी भी कसार देवी में मेडिटेशन करने आए थे, जो कि एक गुफा है जो वहाँ पर बैठे थे, और उन्होंने काफ़ी दिन तक मेडिटेशन किया था। मंदिर ऊपर है, अभी जाते हैं वहाँ पे। लगता है थोड़ा जल्दी आ गए, मंदिर तो अभी बंद है, तब तक थोड़ा घूम लेते हैं यहाँ पे। स्वामी विवेकानंद ध्यान केंद्र, अच्छा जहाँ पे वो मेडिटेशन करते थे। व्यू देखो गाइस कितना ऊपर है। मंदिर तो 7 बजे खुलेगा, हम पहले आ गए थे, तो मैं जा रहा हूँ एक जगह देखी है मैंने, वहाँ पे वहाँ बैठेंगे चल के। बहुत ही ऊंचाई पे हूँ, देखो गाइस। जब मैं यहाँ 1 घंटा बैठा और मैंने थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश की, तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि क्यों इस जगह पर रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, बॉब डायलन, डीएच लॉरेंस जैसे और भी कई फेमस लोग यहाँ पे खींचे चले आए। सो गाइस अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, हिंदी में बताऊँ, तो वैन एलन बेल्ट धरती का वो हिस्सा है जहाँ पे सोलर विंड्स एंड कॉस्मिक रेज के चार्ज पार्टिकल्स मिलके एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाते हैं जिसकी वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग है, जहाँ पे मेडिटेशन करने के बहुत अलग फ़ायदे होते हैं। और यहाँ पे नासा के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट और हार्वर्ड के स्कॉलर्स भी आ चुके हैं इस पे रिसर्च करने। तो गाइस ये है कसार देवी, थोड़ा आगे से दिखाता हूँ मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ सामने, देखो यहाँ से दूर दूर तक कुछ नहीं है। एक घंटा मेडिटेशन करने के बाद मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, देखा था नीचे तक बंदे घर। सो मैं वहाँ बैठा हुआ था, बादल बहुत अच्छी जगह है, थोड़े डिस्टर्बेंस हो गए हैं यहाँ पे, मैं निकल रहा हूँ।
सब्सक्राइब करोगे अभी? मार दो यार सब्सक्राइब। तो आई थिंक मंदिर ओपन हो गया, अब निकलते हैं मंदिर। कसार देवी से ऊपर एक शिव मंदिर है, मैं दिखाता हूँ। ये माता का मंदिर है, ये भैरव मंदिर है। नंदी जी महाराज, ये अंदर शिव जी का शिवलिंग, यह हवन होता है। और ये कहते हैं कि जो मान्यता है, ये रियल शेर पत्थर में बदल गया, ऐसा कहते हैं। नीचे देखते हैं क्या है, एक शिवलिंग वहां पे भी। बेसिकली मोस्टली लोग यहाँ पे मेडिटेशन करने आते हैं, जो वैन एलन बेल्ट है उसकी वजह से। तो एक शिव टेंपल यहाँ पे भी है, नंदी जी महाराज। सामने नंदी जी, लो भाई बजरंगबली आ गए। मंदिर से तो उतर के आ गए हैं, अब थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे दिखाता हूँ, वहाँ पे जहाँ पे वो है ना अम्ब्रेलाज लगे हुए, वो वहाँ पे जा रहा हूँ मैं। कुछ खाते हैं, और सुनील सर का तो फास्ट है हमारे, बाद में अकेला खाऊँगा मस्त। तो पूजा वूजा हो गई है भाई, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पे। और जो मतलब बात कहते हैं कि सोलर मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, तो वो रियल में है, कुछ तो है। मैंने एक घंटा यहाँ बैठ के मेडिटेट किया, और मतलब अच्छा लगा। हाउ इज एक्सपीरियंस ब्रदर? बहुत बढ़िया, ऑसम ऑसम ऑसम। ओके, तो हम जा रहे हैं नीचे, एक कार्ट लगा हुआ है वहाँ पे, फूड कार्ट। कुछ खाते हैं यार, भूख लग रही है। जॉगीज, इसका मुंह कैसा है? ये तो ब्रीड वाला लग रहा है भाई, काट लेगा भैया। क्या क्या आपके पास? सर हमारे पास है आलू पराठा है, कॉफी अभी है, कॉफी चाय, मैगी। ठीक है, मैगी कितने की है? 50 रुपए वेजिटेबल। और पराठा 50 रुपए, आलू प्याज। और क्या है? सैंडविच है। सैंडविच कितने है? 50। और सैंडविच 60। बंद मक्खन भी 50? 40। 40 भैया। एक हॉट कॉफी कितना? स्ट्रॉन्ग, चीनी कम। एक मैगी। कॉफी स्ट्रॉन्ग करना, चीनी कम करना। ओके सर, एक मैगी कर देना। लोकेशन तो बढ़िया है भाई, एक और ट्रेल है यहाँ पे पूरी। ये भाई साहब हमारे कैमरा सेट कर रहे हैं, मैगी बनने बोल दिया है, मैगी रेडी हो रही है, तब तक थोड़ा घूम के आते हैं आगे। यहाँ पे अगर कार आ जाए तो कितना मजा आए भाई, यहीं पे टेंट लगाओ, यहीं सो जाओ। ये बहुत अच्छी जगह है, क्या हाल है भाई? हाथ ला लू, काटेगा तो नहीं? भाई बहन आ गए इसके, भाई बहन तू भी आजा, आजा आजा आजा, आओ कम, काटे मत भाई, मुझे थोड़ा फाइटर टाइप लग रहा है। हैं, खाएगा कुछ? खाएगा, देखो 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 इसको, देखो देखो कैसे कर रहा है। हाँ, उसको हाथ लगाओ तो तू चिपटता है मेरे से। हैं,
उसको हाथ ना लगाऊं। देखना भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करा है, थैंक यू यार। कह रहे हैं मेरे 8-10 सब्सक्राइबर बढ़वाएंगे। थैंक यू भैया। तो हमारी मैगी आ गई है, थैंक यू ब्रदर, आपको भी थैंक यू। मैगी आ गई है, कॉफ़ी आ गई है। तो गाइस हमारे सब्सक्राइबर जा रहे हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हाय कर दो भाई। तुम्हारे मजा आ गया, सिंगल सेटिंग उसका सेटिंग हो गया, याद रखोगे तुम भी साथ में स्टिक टूर गए कि नहीं है कि नहीं। हम बैठे हैं पूरे भाई, पराठे ऑर्डर कर रहे थे, उनका टेस्ट समझ नहीं आया, तो फिर मैगी खा लो, सबसे बेस्ट है। यार देखो कितना अच्छा है ना इधर कैमरा, क्या देखो क्या व्यू है, व्यू है कि नहीं भाई। और इधर भी दोबारा करो दोबारा भाई, इधर देखो दोनों तरफ क्या जगह है, क्या लोकेशन है, मस्त है। दोबारा आने का प्लान करेंगे, बहुत ही सुंदर जगह है कि नहीं। जो ऑरेंज दिख रहा है ना अलग से पीला पीला, ये कहते हैं कि ये सांप था, ये पत्थर में बदल गया था। ये अलग से दिख रहा होगा, एक लाइन दिख रही होगी। गाड़ी का हाल देखो गाइस, इतनी मैसी लगती है मेरी कार, मैं ट्रिप पे जाता हूँ। सो गाइस मंदिर से होके आ गए, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, लेट गया था मैं, और अभी आए हैं हम ऊपर, कुछ खेलते हैं। तो मिस्टर क्या कर रहे हो आप अकेले अकेले यहाँ पे, ये वाली गेम खेलें? चलो चलते हैं फिर गेम खेलते हैं। गाइस एक गेम खेलते हैं फिर निकलते हैं ऐसे घर के लिए। स्टार्ट करो, स्टार्ट करें, करो। पहले मैं चलता हूँ, पहले मैं चलता हूँ, पहले मैं तो गाइस अपना स्टे बहुत बढ़िया रहा यहाँ पे, अब निकल रहे हैं हम घर के लिए। ये ऊपर का इनका फ्लोर है, बहुत ही ज्यादा ऑसम है, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन। और ये हम एक्सेस कर पा रहे हैं सिर्फ ओनली 350 रुपीज में, ये पूरा जितना भी अभी तक आपने देखा वीडियो। सो इससे बेस्ट, चीप और बेस्ट मुझे आज तक कोई स्टे नहीं मिला। तो गाइस अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था क्या क्या है यहाँ पे, ये पूरा इनका ये हम सिर्फ 330 रुपीज में एक्सेस कर पा रहे हैं। 330 रुपीज पर बेड लिया था हमने, एक मेरा एक इनका डोरमेट्री में, और इतना क्लीन, इतना नीट एंड क्लीन और काफ़ी अच्छा है मतलब। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टे जब भी रहेगा वो इन्हीं के साथ रहेगा, द होस्टलर। तो स्टे ट्यून गाइस, अब निकल रहे हैं हम घर के लिए, और रास्ते में हम कैंची धाम होते हुए जाएंगे, ठीक है भाई।
दर्शन करते हुए जाएंगे। सो गाइस चेकआउट कर लिया है, ऑन टाइम निकल गए, अभी बज रहे हैं 12:15 हो रहे हैं, तो 7-8 घंटे दिखा रहा है। तो जाएंगे अब सीधा घर, कल से ऑफिस। से ट्यून गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में, आगे का दिखाते हैं। ये जगह अच्छी है यार, बीच में मन कर रहा है रुक जाओ। नहीं व्यू भी दिखा दिया करना, व्यू देखो गाइस, गाइस व्यू, गाइस 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 काउस काउस व्यू देखो, ये सामने वाला देखो भाई, सामने देखो और सामने देखो, क्या सीन है भाई। एडिट करूंगा तो ऐसे ही चलेगा पूरा व्लॉग, तगड़ा वाला जो हुआ बको एडिट मारेंगे। यार ये यहाँ जाना पड़ेगा क्या अपने को? नहीं, नहीं। क्या कहते हो? अरे यार नहीं नहीं करा, हर चीज में नहीं नहीं करो। वो ट्रक वाले भैया हट जाके से, यहाँ तो मौसम ठंडा है, जंगल में जाएगी तो ऐसे पीछे धूप निकल ली थी ना, धूप नहीं निकल ली। 91 10 किलोमीटर चल लिया हम, स्पीड में चल रहे भाई। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। तो गाइस एक रास्ते में एक बहुत अच्छी सी जगह मिली है, तो मैं वहां जा रहा हूँ। इस आदमी ये सुनील भाई को तो डर लग रहा है हमारे, बट पीछे पीछे आ रहे हैं, लेके आ रहा हूँ साथ साथ। सो गाइस ये देखो लोकेशन, निशान देख रहे हैं जानवर के निशान आ रहे हैं, गाय के हैं गाय के। हाँ ठीक है, 1 पे कर दिया। तीस सेकंड हो गए बड़ी ड्राइविंग, पीछे भी देखो क्या व्यू आ रहा भाई, देखो सामने, तुम सामने देखो एकदम एकदम गजब 3D वाली दुनिया में, नहीं सॉरी 5D है, बट वहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। बारिश में मौसम होता है वैसे नहीं होता, पिथौरागढ़ जैसा अल्मोड़ा है ना, शायद इससे भी बड़ा होगा। कंस्ट्रक्टेड है पूरा, पूरा कंस्ट्रक्टेड है, ऐसा ही है। आसपास व्यूज है सारे, आसपास एकदम ऐसा ही, वहाँ में चलो सब कुछ है वहाँ पे। रुके थे थोड़ा सा, नैनीताल पहुंचने वाले हैं, यहाँ पे रुके हैं ढाबे पे, ब्रेड पकौड़ा और मैं खाऊंगा यहाँ पहाड़ी खाना, भटकी दाल ट्राई करते हैं आज। सो अभी बताते हैं कैसा होगा, भटकी दाल और चूर खानी, तो पहाड़ी खाना होता है यहाँ कल मोड़ा। सो गाइस हम निकल गए वहाँ से, बहुत देर हो गई है, रुद्रपुर क्रॉस कर लिया है, अब रामपुर आने वाला है। तो रोड बहुत अच्छी है यार यहाँ की, तो देखो एकदम क्लीन नीला आसमान, क्लीन स्काई, इधर ग्रीनरी इधर ग्रीनरी। और मैं अपने घुटनों को दे रहा हूँ थोड़ा रेस्ट, सुनील भाई हमारे ड्राइव कर रहे हैं थोड़ी देर, तो भाई मज़ा आ रहा है, मौसम भी ठीक ठाक है, करूँ आराम से आराम से आराम से आराम से। स्कूटी वाला है यार, चूतिया स्कूटी सिखा रहा है इसको यहाँ पर। ग्रीनरी बहुत सही है भाई, सॉलिड आपकी तो आ रही है यार। दूर दूर तक नहीं दिख रहा, एकदम क्लीन रोड है, सुंदर
मस्त लग रहा है, मन कर रहा है क्रिकेट खेल लूं मैं। ऐसी रोड देख के ना मेरा मन करता है क्रिकेट खेलूं। सो अभी गाइस हमने एक मुरादाबाद के पास एक हॉल्ट लिया है, लस्सी वस्सी पीते हैं, हरियाणा ढाबा। ये क्या थीम है इनकी भाई। तो गाइस दिल्ली है तो आ गए हैं, दिल्ली पहुंचने वाले हैं गाजियाबाद में। तो आते हैं यहाँ पे, बड़ा भयानक स्वागत हुआ हमारा। इतनी तगड़ी बारिश हो रही है, बहुत दिखाता हूँ वो भाई। ये तगड़ी बारिश हो रही है भाई, तेज बारिश हो रही है बहुत। तो लग रहा है दिल्ली NCR में बादल फटेंगे।